हेलो गाइस, मैं वर्षा रसोई से आज मैं फ्रूट जेली बनाना सिखा रही हूँ आपको। जैसा कि इस तरह की जेली आती है पैकेट में, उसमें हम फ्रूट डालेंगे। जैसा कि आजकल के बच्चे फ्रूट नहीं खाते और उनको फ्रूट पसंद नहीं आता है, तो हर बच्चे की माँ को ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे फ्रूट नहीं खाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम जेली में डाल के फ्रूट डालें, तो बच्चों को नया फ्लेवर मिलेगा और खाने में अच्छी लगेगी। इसलिए हमने आज सोचा फ्रूट इसमें डालेंगे। इसके लिए हमें चाहिए, जो आपका बच्चा फ्रूट खाना पसंद करता है वो सब फ्रूट आप डाल सकते हैं। इस समय मैं डाल रही हूँ अंगूर, सेब, कीवी, केला, पपैया, आम और ये जेली पाउडर। इसके लिए हमें चाहिए 3 कप पानी, 3 कप पानी चाहिए हमको। इसको हम गैस पर रखेंगे जब तक ये गर्म हो, जब तक हम अपना प्रोसीजर चालू करते हैं। मैंने ये कंटेनर लिया, इसमें हम डालेंगे कीवी, ये पपैया, ये थोड़े से आम, ग्रेप्स, एप्पल, ये मैंने अभी रेफ्रिजरेटर से, ये मैंने अभी फ्रिज में से निकाला जेली। अब हम इसको सर्व करते हैं। वाओ वाओ, इस जेली को देख के कोई बच्चा अपने आप को नहीं रोक पाएगा। इसमें कीवी भी है, इसमें केला भी है, पपैया भी है, आम भी है, अंगूर भी है, पाइनएप्पल भी है। मैं भी नहीं रोक पाऊंगी अपने आप को। कोई दो बच्चे आपस में ऐसे मैं भी खाऊंगा। आओ हम इसको काटते हैं। इसका हैप्पी बर्थडे, इसको हम इस तरह से वाओ। तो नाटा देना इसे, ये हमारा जेली ट्रांसपेरेंट, कितना सुंदर, ठंडा, मस्त, गर्मी में खाने का एक अलग ही एंजॉय करिए। जेली उठाइए, आप कोई भी जेली ले सकते हैं।
लाल फ्लेवर में। तरह से मिलाएंगे। इसमें हम पाउडर डालेंगे। इसमें हम सारा फ्रूट डाल देंगे। पानी मैंने 500 ml लिया है। अब इसको हम इसको फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर में अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। ये उसमें जम जाएगी 15 मिनट में।